These are the last few days, and the TCS on invoices, this new section 2061H, एक नया सेक्शन पैदा हुआ है जो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है. ये इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो लोगों को आ रही हैं और उसके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो फिनसिस टीम ने प्रेजेंट किए हैं आज अपने सभी फिनसिस के क्लाइंट्स को, फिनसिस यूज करने वाले लोगों को. पहले क्विकली देखते हैं कि हमारा लॉ क्या है. लॉ ये है कि भाई टर्नओवर अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा है, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, एंड आप पे सेक्शन ऑब्वियसली अप्लाई करेगा, एंड आपका जो कस्टमर है उसका उसको 50 लाख से ज्यादा की आप टर्नओवर करते हो फॉर द ईयर, तो आपको 0.075% उसके ऊपर टीसीएस एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा जैसे आप स्क्रैप पे करते थे. और ये 1 अक्टूबर से होने की उम्मीद है. हो सकता है कोरोना की वजह से ये और पोस्टपोन हो जाए, इट्स वेरी मच पॉसिबल, बट फिर भी हो सकता है ना हो क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट 6 महीने दे चुकी है सबके लिए. इट्स नॉट वेरी गुड, वेरी कम्बरसम प्रोसेस आ रही है, बट यस वी एज फिनसिस हैव टू बी रेडी, वी आर रेडी, एंड यू एज अ एंटरप्रेन्योर हैव टू बी रेडी. सो आओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स, टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स, डिस्पैच डिपार्टमेंट्स, क्विकली अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो. इफ यू ऑलरेडी आर यूजिंग फिनसिस, प्लीज गो टू finsys.biz our वेबसाइट एंड डाउनलोड. This is our website, finsys.biz, जहां पे downloads page है और you can download your finsys from here, your finsys and finsys reports. So making life easy for you. So the finsys website helps you create your solutions faster. अब इस presentation में हम आपको दिखाना जा रहे हैं कि आपको क्या करना है. Normal method है invoice पे add कर देना, दूसरा method है debit note पे लगा देना. इनवॉइस पे ऐड करना है, नॉर्मल आपका इनवॉइस का स्क्रीन होगा, नीचे चार्ज टीसीएस ऑटोमेटिक अंदर से आ जाएगा, कैलकुलेशन अपने आप आ जाएंगी, अकाउंटिंग एंट्री अपने आप हो जाएगी, इनवॉइस पे अपने आप छप जाएगा. कहने को आसान है, कहने को आसान है, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, ऑटोमेटिक है. अच्छा फायदा है, मगर इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है. आइए हम ड्रॉबैक्स को स्टडी करते हैं. ड्रॉबैक नंबर 1, चेंजेस इन योर सेल्स इनवॉइस सॉफ्टवेयर. तो अगर आपका खुद का टर्नओवर 50 करोड़ है, आपकी परचेजिंग लेटर से 25 करोड़ है, 25 करोड़ में बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होंगे जिनका 50 लाख से ऊपर का आपकी बाइंग होगी, तो वो सारे हर रो के ऊपर डालेंगे, आप भी अपने कस्टमर की हर रो पे डालोगे, टीडीएस रिटर्न का डेटा लाखों में पहुंच जाएगा. आप 26 ईयर्स डाउनलोड करोगे, 100-200 पेज का प्रिंटआउट निकलेगा, बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी. बिल वाइज आउटस्टैंडिंग भी हजारों पेज में जाएगी, क्योंकि हो सकता है कई कस्टमर्स होल्ड कर दें आपकी टीसीएस की मनी को. वो ये सोचे कि भाई टीसीएस का ये वाला अमाउंट तो मैं रोक के चलूंगा, मैं तो नहीं दूंगा, तो अब क्या होएगा कि जब 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट करेगा मैं तब दूंगा, ऐसा काफी लोग सोच रहे हैं. तो आपकी जो आउटस्टैंडिंग की ऑटो ईमेल है वो तो कुछ रोज की नहीं, वो तो 10 पेज की, 20 पेज की ऑटो ईमेल बन सकती है अगर उसने एक एक रो को पेमेंट रोक दी, 3 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए उसने काटने शुरू कर दिए. इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डेबिट नोट. देखिए सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स क्या सोच रहे हैं, कॉर्पोरेट्स जो बहुत ऊपर से देख रहे होते हैं कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसका क्या सलूशन होना चाहिए. तो गैब्रियल, एंड्योरेंस, कुछ बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया के. इन लोगों ने क्या सोचा था, इन्होंने कहा अपने वेंडर्स को कि डियर वेंडर, आप क्वार्टरली डेबिट नोट दोगे, आप क्वार्टरली डेबिट नोट दोगे हमको, सिर्फ एक डेबिट नोट दे दो, इनवॉइस में कोई चेंज मत करो. ये उनका व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है. एंड्योरेंस क्या कहता है, एंड्योरेंस बहुत बड़ी कंपनी है, बजाज के बहुत बड़े टायर वन वेंडर है. इन्होंने क्या बोला, वन टाइम डेबिट नोट दे दो फॉर द टीसीएस फॉर द आउटस्टैंडिंग जो 30 सितंबर को था, जो 30 सितंबर को था उसका मुझे पहले दे दो, क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है ना कि इट्स ऑन कलेक्शन बेसिस. ये भी एक पॉइंट है, बहुत लोग नहीं देख रहे हैं, प्लीज इसी पॉइंट को देख लीजिए कि जो 30 सितंबर 2020 को आपकी बुक्स में बैलेंस होगा उस कस्टमर का, उसका एक डेबिट नोट बना दीजिए और कस्टमर से मांग लीजिए, सर ये रहा डेबिट नोट, पैसे दे दीजिए, 1% या 0.1% as applicable. And future में monthly financial debit note दे दो, सिर्फ financial debit note, monthly. पूरे महीने का एक debit note, चाहे वो 10,000 रुपए बने एक huge turnover पे. क्या method 1 and method 2? Method 1 भी हम लोगों ने incorporate किया है और method 2 भी incorporate किया है. हम लोगों को लगता है कि method 2 ज़्यादा अच्छा रहेगा users के लिए, क्योंकि उसमें आपके n number of rows आपकी नहीं आएंगी. आपका जो आउटस्टैंडिंग्स हैं, आपके जो ईमेल्स हैं, आपके जो पेमेंट रिमाइंडर्स हैं, आपकी जो एजिंग रिपोर्ट्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट है और जो इतनी अच्छी रिपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर की आपका सारा एनालिसिस होता है, वो सब डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी. क्योंकि टीसीएस अगर सपोज करिए उसने पे नहीं किया या पे कर दिया, दोनों ही केसेस में आपकी नंबर ऑफ रोज बढ़ने वाली है. अच्छा. मैं काम को ऑटोमेट तो कर ही रहे हैं, फिनसिस ये तो बोल ही नहीं रहा कि हम इनवॉइस में नहीं लगा रहे हैं, तो इनवॉइस में लगा रहे हैं. और हमने साथ में आपके एक और अलग फीचर बना दिया, ऑटोमेटिक डेबिट नोट.
अगर हम ऑटोमेटिक डेबिट मोड में जाएंगे तो हमने एक पर्टिकुलर सीरीज खोली है जिसमें कि हमने डेबिट नोट का ही नाम दिया है और उसको हमने एक पर्टिकुलर टाइप में हमने मेंशन किया है। उसमें क्या किया, हमने कस्टमर को सेलेक्ट किया, उसके साथ हमने टीसीएस को सेलेक्ट किया और हमने जितनी भी आपकी इनवॉइसेस थी उस पर्टिकुलर टाइम की हमने वो सेलेक्ट कर ली, जो भी टेन्योर, जैसे एंड्रेस ने बोला मंथली दो, गैब्रियल ने बोला क्वार्टरली दो, तो जो भी आप टाइम फ्रेम लेंगे उसके हिसाब से आपने इनवॉइसेस को सेलेक्ट कर लिया। बिल्कुल, ये हमारा टाइम फ्रेम बॉक्स एज अ फेंसेज स्टैंडर्ड, हमारे सारे क्लाइंट जानते हैं इससे हम लोग क्या करते हैं, इससे हमारा टाइम फ्रेम आ जाता है। हमने टाइम फ्रेम को सेलेक्ट किया और आप देखिए ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ बटन सारा डाटा पॉपुलेट हो गया, फिल हो गया और डेबिट नोट, सिंगल डेबिट नोट बन गया। इसको आपने सेव करा, अब उस डेबिट नोट की समरी जो आपको चाहिए, आपके कस्टमर को चाहिए कि उस डेबिट नोट में आपने, हमने क्या क्या किया, हमने डेबिट नोट में हमने ओरिजिनल बिल नंबर ले लिया, हमने डिटेल्स ले ली, हमने अमाउंट ले लिया और हमने टीडीएस की वैल्यू, टीसीएस की वैल्यू ली, टीडीएस वैल्यू ले ली ये, और इसका हमने लास्ट में लिया, अब ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। तो इससे हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट से, अगर आप देखें वहाँ थाउजेंड्स ऑफ रो की एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ सिंगल रो की एडजस्टमेंट हो रही है, तो दिस इज मोर बेनिफिशियल। मतलब अगर मान लीजिए 1000 रोज के लिए मुझे 1000 इनवॉइसेस के अंदर उनकी अकाउंटिंग, उनका रिसिप्ट, उनकी पेमेंट, उनकी टीसीएस की गवर्नमेंट को पेमेंट, उस टीसीएस की पेमेंट करते वक्त 1000 रोज को अपनी टीडीएस रिटर्न में ऐड करना, वो सारा एक लफड़ा है सामने वाले के लिए भी, अपने वाले के लिए भी और बाद में रिसिप्ट करते हुए भी। तो यहाँ पर सिस्टम कह रहा है कि भाई मेरे पास जो इतने करोड़ों की सेल मैंने तुमको करी इस पीरियड के अंदर, उस लेट्स से 3.53 करोड़ के ऊपर कुल 26,000 रुपए का टीसीएस बनना था, ये लो मैंने तुम्हें एक सिंगल कागज दे दिया, इस सिंगल कागज के बदले मुझे पैसे दे दिए और उसका अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक हो रही है सर। बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ आपने क्लिक किया पार्टी छांटी और आपने पीरियड छांटा कि मेरे इस कस्टमर को एक महीने का चाहिए या तीन महीने का चाहिए, ओके दबाया, अकाउंटिंग अपने आप, टीसीएस अपने आप, डेबिट नोट अपने आप, कैलकुलेशन अपने आप, और इसका वर्किंग पेपर, बंसल जी ये तो वर्किंग पेपर लग रहा है, बताइए इसको। ये वर्किंग पेपर है सर, इसमें ये क्लियर कर रहा है कि मेरी ये पार्टी है, मेरा कौन सा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था, मेरा क्या बिल अमाउंट था, मैंने उस पर कितने रुपए का टीसीएस चार्ज किया है, कितने रुपए और कितने उसमें किया है, कितने परसेंट पे किया है, तो ये मेरा पूरे, और ये ट्रांसफर टू एक्सेल फैसिलिटी के साथ है आपको एनालिसिस पर्पस के लिए, बहुत बढ़िया, दिस इज स्टैंडर्ड, यू कैन जस्ट ट्रांसफर इट टू द एक्सेल, बहुत बढ़िया। पार्टी लेजर ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट हो गया, 3 करोड़ की सेल पे 26,000 रुपए का डेबिट नोट था और आपको एक 26,000 से ज्यादा रुपए का आदमी रखना पड़ेगा जो सिर्फ एडजस्टमेंट्स करता रहेगा, उसकी आउटपुट कुछ नहीं आएगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको एक डेबिट नोट एक्स्ट्रा रेज करना है जो आपकी बाकी की सारी एक्स्ट्रा चीजों को एलिमिनेट कर रहा है। और अगर हम ओरिजिनल इनवॉइस में करते हैं तो आपके बाकी सारी चीजें तो एलिमिनेट हो रही हैं, लेकिन आपकी जो वर्किंग जो बढ़ रही है, आप उसको सोचिए कितनी वर्किंग बढ़ रही है। वेरी नाइस, थैंक यू बंसल जी एंड द होल फिनसेस टीम फॉर क्रिएटिंग दिस न्यू आइडिया। और हम इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप सब लोगों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक अच्छा आइडिया है, कई कॉर्पोरेट्स ने जो पहल करी है कि भाई अपना डे टू डे कागज मत बढ़ाओ, फिनसेस में फैसिलिटीज दोनों हैं, फिनसेस में हर इनवॉइस पर जानने की फैसिलिटी भी है और बाद में ऑटोमेटिक की भी फैसिलिटी है, बट बाद वाली फैसिलिटी ज्यादा आसान, इजी, यूजर फ्रेंडली लग रही है, काम कम है हमारे एक्सपीरियंस, और परमानेंटली एफर्ट कम है। अगर आपको बाद में पैसे काट के देना चाहती है, कम देना चाहती है कि जब अपने 26 AS में आएगा तब देना चाहती है, ठीक है भाई इस एक रो आइटम के पैसे रोक ले। और एक्चुअल में होता भी यही है सर, अगर हम सही मायनों में देखें, एक रेगुलर हम इंडियन अकाउंटिंग को देखते हैं, जब तक 26 AS में अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर जाता उसका एडवांटेज तो कोई नहीं देता ना, वो तो आपके बिल पे बिल आउटस्टैंडिंग में स्टैंडिंग ही रहती है ना, चाहे कितना भी हो जाए, तो ये तो एक एक्चुअल फैक्ट है। अब ये देखना है ऐसा फिनसेस, मैं ये बोलता हूँ कि हम दोनों तरीके से रेडी हैं, हम इनवॉइस पे भी रेडी हैं और हम डेबिट नोट पे भी रेडी हैं। हमारी रिकमेंडेशन डेबिट नोट है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप डेबिट नोट ही लो, वी आर रेडी विद बोथ ऑप्शंस, हेंस द चॉइसेस ऑफ द क्लाइंट, फिनसेस एट योर सर्विस। परफेक्ट, थैंक यू। And once again, I invite you all to subscribe to the Finsys YouTube channel. It's got hundreds of videos on how to make your life better, how to make your business better, how to work more systematically. It has the videos
for the technical aspect, the quality aspect, the processes, how to make things better. So subscribe to Finsys YouTube channel if you have not yet done that.